आपकी मतलबी गुंडी और फ्रेंड जो आप देख रहे हैं फन विद दानियाल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है कश्मीरी मटन यखनी। ये यखनी कश्मीर में बहुत फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और शेयर भी करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। यखनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 1.5 kg मटन और सारे खड़े मसाले। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे प्रेशर कुकर में 4 ग्लास पानी। अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले और इसको 30 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून नमक भी डालेंगे। अब हमारे पास है 1.5 kg योगर्ट, ग्रीन इलायची और ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून ग्राइंड किए हुए राइस। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अब हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल, 1 big sliced ऑनियन। अब हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक पेपर पे निकाल लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है को हम ठंडा होने देंगे। हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें योगर्ट और सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसको उस वक्त तक हिलाते रहेंगे जब तक बॉईल ना आ जाए। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है वरना योगर्ट फट जाएगा। हमारी बॉइल हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड ऑनियन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मटन भी हमारा गल चुका है। अब हम मटन को यखनी में डालेंगे। अब हम सारा मटन यखनी में डाल देंगे। अब सारा मटन का स्टॉक यखनी में डाल देंगे। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। तो चलिए उसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजेदार सी कश्मीर मटन यखनी तैयार हो गई है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हमारी ये यखनी बहुत मज़े की बनी है। को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।